हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल एंड थीम सब तो पता चल गया है कि आज मैं आपको मेरे मेकअप ब्रश के सेट्स का रिव्यू दिखाने वाली हूँ। वैसे तो मेरे पास ज़्यादा मेकअप ब्रश है नहीं, बट ये थोड़े बहुत ही हैं। मैं ओरिफ्लेम का मेकअप ब्रश यूज़ कर सकती हूँ, यूज़ करती हूँ। तो आज मैं इसकी डिटेल से वीडियोस बनाई है कि हम लोग कौन सा मेकअप ब्रश कहाँ पर यूज़ करते हैं और किस टाइप से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे कुछ काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया था कि हम लोगों को कौन सा मेकअप ब्रश कहाँ यूज़ होता है, इसके भी हमको पता नहीं चलता है। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, आप लोगों को बता सकूँ। और देन वैसे तो मेकअप ब्रश काफ़ी होते हैं, पैक्स हो गया, स्विस ब्यूटी, मतलब अदर अदर आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्रांड है मेकअप ब्रश के, बट मेरे पास इतना बजट है नहीं जो रियलिटी है। तो देन मैंने ओरिफ्लेम के मेकअप ब्रश से स्टार्टिंग किया था अपना सलोन, तो मैंने वही उसी से ही अपना स्टार्ट किया है। तो आपको वही उसी के बारे में ही बताऊँगी। एंड काफ़ी दिन से मेरी वीडियोस नहीं आई है बिकॉज मैं तो कुछ दिन से इवेंट्स में बिजी थी। तो सबसे पहला ब्रश मेरा है ओरिफ्लेम का, एक ये फ्लफी ब्रश है, ये काफ़ी अच्छा ब्रश है। इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी स्मूथ है। वैसे ये कल अभी इवेंट्स में गई थी तो थोड़ा बहुत गंदा हो रहा है क्योंकि मुझे क्लीन करने का टाइम नहीं मिला। तो देन ये जो ब्रश है काफ़ी सॉफ्ट एंड क्लीन है। इसको मैं इससे मैं पाउडर रिंग करती हूँ, मतलब पाउडर वाला वगैरह इसी से लगाती हूँ। देन मैं उसके बाद तो ब्यूटी ब्लेंडर हो जाता है आपको फाउंडेशन लगाने के लिए। देन उसके बाद ये एक है एंगल ब्रश। ये जो एंगल ब्रश है ये थोड़ा काफ़ी ये थोड़ा बड़ा वाला एंगल ब्रश है, इससे मैं कॉन्टोरिंग करती हूँ और इसका जो शेप है इसमें कॉन्टोरिंग बहुत ही अच्छे से होता है। तो आप ये वाला ब्रश भी ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा एंड यूज़फुल है। देन अगेन मेरे पास और एक फ्लफी ब्रश है जिसकी हेल्प से मैं ब्लशर एंड हाइलाइटर यूज़ कर सकती हूँ। चाहे तो आप वो कॉन्ट्रोलिंग वाले ब्रश से भी ब्लशिंग कर सकते हो, बट क्या सेम कलर हम यूज़ करते हैं ना तो आपका फेस पे मिक्स एंड मैच हो जाता है। तो आप लोग इसका बहुत ध्यान रखें कि जो एक बार यूज़ करें उसको सेकेंड टाइम यूज़ ना करें। देन मेरे पास एक है एप्लीकेशन ब्रश जिससे मैं फाउंडेशन वगैरह स्टार्टिंग में एप्लीकेशन करती हूँ। आपने देखा होगा मैं फिंगर के हेल्प से कम और ब्रश के हेल्प से ज़्यादा मेकअप करती हूँ, तो ये वाला जो ब्रश है आपका एप्लीकेशन के लिए होता है। देन फेस हो गया है, अब हम चलते हैं अपने आई मेकअप की तरफ। तो सबसे पहले जो ब्रश है ये है हमारा ब्यूटी ब्लेंड सॉरी ब्लेंडिंग ब्रश, जो मेरा मोस्ट ऑफ द फेवरेट ब्रश है ब्लेंडिंग, बिकॉज आप अगर आई मेकअप आपका ब्लेंडेड होगा, ब्लेंडिंग अच्छी सी होगी, तो आपका आई मेकअप बहुत ही पॉप आउट दिखेगा और बहुत ही अच्छा दिखेगा। और ये काफ़ी अच्छा है, मैंने काफ़ी टाइम वॉश भी कर लिया है बट ये ख़राब नहीं हुआ है। देन ये है एक हाइलाइटर एप्लीकेटर जिसकी वजह से आप लोग जैसे आईज मेकअप करते हैं तो इनर कॉर्नर पे आईब्रोन पे आपको हाइलाइटर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो इस वाले ब्रश की हेल्प से आप इसको लगा सकते हो। देन मैं यहाँ पर मेरे पास एक है छोटा मिनी ब्रश, इसकी हेल्प से आप क्या करेंगे जैसे आप लोग को आईज़ के ऊपर हाइलाइटर पिगमेंट्स डालने होते हैं, हाइलाइटर्स लगाने होते हैं, तो उसके लिए काफ़ी बड़ा ब्रश हम यूज़ नहीं करेंगे, हम छोटे ब्रश की हेल्प लेंगे। आप आईज़ पे ध्यान रखना कि आप जितने छोटे छोटे ब्रश का यूज़ करोगे उतना आपका आई मेकअप अच्छा होगा। देन ये अगेन एक मेरा मोस्ट ऑफ द फेवरेट ब्रश है। इसकी मैं इससे मैं क्या करती हूँ जैसे डार्क कलर्स होते हैं या कोई भी कलर्स होता है इसको मैं पिक के लिए इसको यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ अगर मैं ब्लेंडिंग ब्रश का हेल्प लूँगी तो पूरा फेल जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा ये दबा हुआ ब्रश है तो इसकी हेल्प से मैं कलर को पिक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंडिंग करती हूँ। देन मेरे पास एक ये कॉम वाला ब्रश है, वैसे तो ये ज़्यादा मतलब हेल्पफुल नहीं है, चाहो तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो, बट अगर आप है तो बेस्ट है तो आप इसको यूज़ ज़रूर करें। और ये मतलब और ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको स्किप करना है तो स्किप कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, ठीक है। देन मैं नेक्स्ट ब्रश यूज़ करूँगी, ये मेरा जो ब्रश है
ये है लिप्स का। अब हम यूज़ करते हैं लिप्स पे, तो ये वाला जो ब्रश है हम लिप लाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। आप अगर लिक्विड वाला लिपस्टिक भी लगा रहे हो तो ब्रश की हेल्प से उसको एक अंडरलाइन ज़रूर बना लें। उसके बाद अब जब फिलिंग करोगे तो आपका मेकअप लिपस्टिक बहुत ही प्रॉपर और अच्छे से एंड लॉन्ग लास्टिंग लगती है। तो अगर आपके पास लिप लाइनर नहीं है तो आप परेशान ना हो, आप लिप लाइनर ब्रश की हेल्प से भी लिप लाइनिंग कर सकते हो। देन मेरे पास ये ऑरिफ्लेम का एक छोटू सा ब्रश है, बहुत क्यूट सा है। इसमें ये सेफ्टी प्रोटेक्शन भी लगा होता है, बिकॉज अगर हम लिप्स पे करते हैं तो डस्ट वगैरह लगने का चांसेस होता है ब्रश में, तो आप इसको अच्छे से कवर अप करके भी रखो। बहुत ही अच्छा सा ब्रश है और इससे फीलिंग बहुत ही अच्छे से होती है। देन ये भी मेरा बहुत ही फेवरेट ब्रश है, तो मैं हाईली रिकमेंडेड है कि आप ये वाला ब्रश जरूर लें। ये भी ओरिफ्लेम का ब्रश है। पहले मेरे पास ओशियन के, मैंने थोड़े बहुत लोकल मार्केट से एक बार परचेस कर लिया था, उसके बाद मेरे पास जब थोड़े बहुत पैसे आए तब मैंने ओरिफ्लेम का ब्रश लिया था। देन ये है एंगल ब्रश। जैसा आपको मैंने बड़ा वाला एंगल ब्रश दिखाया था, सेम उसी टाइप से ये छोटा वाला एंगल ब्रश है, जिसके हेल्प से मैं आईब्रो को फिल करती हूँ। जैसे अगर आपको आईब्रो डिफाइन करना है, आईब्रो को फिल करना है, तो आप इस ब्रश की हेल्प ले सकते हो। देन नेक्स्ट है मेरा आईलाइनर ब्रश। अगर इस ब्रश के हेल्प से हम लोग आईलाइनर लगाएंगे, जैसे काफ़ी आजकल बैक आईलाइनर होते हैं, जेल आईलाइनर होते हैं, जिसके साथ में क्या अलग से आपको ब्रशेस नहीं मिलती है, तो आप इस फाइन आईलाइनर ब्रश की हेल्प ले सकते हो। एंड देन ये लास्ट मेरा जो ब्रश है, ये मैं इससे कट क्रीज करती हूँ। ये इसको मैं, ये ऑरिफ्लेम का ही है, इसकी पैकिंग थोड़ी बहुत चेंज है, बिकॉज पहले इस टाइप का कलर आता था, तो इससे मैं कट क्रीज करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही फ्लैट और बहुत ही अच्छा सा है, छोटा सा है, तो कट क्रीज बहुत इजीली और अच्छे से बन जाता है। आजकल बहुत कट क्रीज का क्रेज़ भी चल रहा है। तो देन यही रहा मेरा छोटा सा आई ब्रश के कलेक्शन। इतना ज़्यादा तो है नहीं, होप सो काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ब्रशेस हैं, बट मैंने ये मैक्सिमम एंड मिनिमम बताया है। और ये जो है, ये मेरे एक दो एक्स्ट्राज है, तो इसका नहीं होगा तो भी चलेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस बिल्कुल भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।